हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों। आप बालू टेक्निकल को स्वागत है। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपका रैम को स्पीड अप कैसे करना है, 512 MB रैम को 1 GB कैसे करना है, 1 GB रैम को 2 GB रैम कैसे करना है, उसको स्पीड अप कैसे बढ़ाना है, उसको बूस्टिंग कैसे देना है, उसको जैसे स्लो साइकिल चलाने गाड़ी को स्पीड कैसे बनाना है कि उसको एक इंजन लगाएंगे कि उसके हिसाब से वो भागने दौड़ने चलेगा, वो एक घोड़ा बन जाएगा। तो उसके बारे में पहले आपको इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से स्लो चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। रैम को फ्री अप करने के लिए क्या प्रोसेस है और रिबूट करने की ज़रूरत क्या है और मोर ट्रबल शूटिंग का प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में मैं समझा दूंगा आज आपको। तो इसमें पहले ये है कि आइडेंटिफाइंग की प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम में ये चेक करना है कि जो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है कि स्पीड अप करने के लिए, तो स्पीड अप करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। इसके लिए बताने के पहले मैं आप एक पहली बार एक बात समझा दूं कि कौन से भी सॉफ्टवेयर से एक हार्डवेयर को आप बूस्टअप नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। सॉरी, तो इसमें ये है, प्रैक्टिकली आप इतना भी सोचो कि आपके पास ये है, आपके पास एक रैम हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर को कौन सा भी सॉफ्टवेयर उसको बूस्टअप करके 2 GB रैम बना ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इसको आप कौन से भी दूसरे दूसरे आप कौन से भी देखो, कहाँ पे भी चेक करो कि ये प्रॉब्लम, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा समझो कि आपके पास एक गाड़ी है, यामाहा के एक गाड़ी है या बजाज की कौन सा भी एक गाड़ी है, उसका इंजन 220 CC है। तो बाद में मैं ये बोलूँगा आपको, मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, मेरा सॉफ्टवेयर का एक ये एक एक प्लगइन है वो उसको इंस्टॉल कर लो, लेकिन तो मेरा सॉफ्टवेयर का और एक है इसको इसको लगा लो। इसको लगाने से आपको आपका गाड़ी 220 CC, 550 CC हो जाएगा, 600 CC हो जाएगा, ये बिलीव कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कि वो गाड़ी इसलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग जैसे कर चुका है कि वो उसका परफॉर्मेंस 220 CC से ज़्यादा नहीं रह सकता है। मगर उसको 220 CC को कंटिन्यू करने के लिए आप क्या करेंगे, उस गाड़ी को सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही से सर्विसिंग कराएंगे, उसको ऑयल चेंज कराएंगे, उसको जो भी कराना है वो सर्विसिंग सेंटर पे उसका पूरा काम आप सही टाइम पे, जो 3,000 किलोमीटर पे या 1,000 किलोमीटर पे, सही टाइम पे, सही वक्त पे उसको आप ये कराएंगे कि सर्विसिंग कराएंगे। वो उसके वजह से वो पहली वो आपका गाड़ी का 220 CC का परफॉर्मेंस वो आगे बढ़ता रहेगा। तो पहली ये है, तो आप इसके बारे में पूछेंगे कि क्लीन अप मास्टर में आप कुछ क्लीन अप मास्टर यूज़ कर रहे हैं या बूस्टर यूज़ कर रहे हैं, जो बूस्टर दिखाएगा कि आपको 0%, 20%, 50%, 100% या योर रैम इज़ स्पीड अप, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपका स्पीड अप है, क्लीन मास्टर है, क्लीनर है, जो भी मास्टर है, क्लीन करने वाला है, जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बैकएंड में ये करेगा कि आपके लिए कुछ आप मैन्युअली कुछ काम कर रहे हैं, वो काम को वो सुविधा करेगा, वो बैकएंड से करेगा। क्या करेगा क्लीन मास्टर, जो भी है दूसरा मास्टर या दूसरा मास्टर, वो क्या करेगा आपके लिए? आप देखो, अभी मैं एक फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, S7 Edge का, आप इसमें देख सकते हैं मेरा इनबिल्ट में है। मैं एंड्रॉयड 7 यूज़ कर रहा था, नॉट यूज़ कर रहा था। इसमें आपको इनबिल्ट में आप चेक सकते हैं, यहाँ पे मेरा मेरा आपको स्टोरेज चेक करो आप। इसमें स्टोरेज में आपको ये जो भी है क्लीन करने में इतना, डॉक्यूमेंट्स में 34 MB, इमेजेस में 2.46 MB अभी मैं क्लीन कर सकता हूँ। तो ये क्लीनिंग ये करेगा कि आपका जो भी मास्टर है, रैम बूस्टर है, वो करेगा। और देखो, और रैम क्या करेगा, और कुछ काम करेगा मेमोरी में। मेमोरी में देखो, अभी मैं टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस फ्री अप कर सकता हूँ कि देखो, इसमें इतने जो भी है यूसेज है, ये पूरा अभी मैं 1.1 GB क्लीन कर सकता हूँ। तो इसमें मैं आपको ये बता दूँ, जो भी रीसेंट ऐप्स है, जो भी है, ये इसका परफॉर्मेंस रिटेन ऐप्स में दिखा रहा, देखो ये पूरे मेरे रीसेंट ऐप्स हैं, 0.0%, 0.28, यहाँ पे एक व्हाट्सएप का एक ही परफॉर्मेंस दिखा रहा, गूगल क्रोम का परफॉर्मेंस दिखा रहा, बाकी का 0000 परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो आप देखो मेरा सिस्टम देखो, ये मेरा इसलिए बता रहा है कि ये डिवाइस मैनेजमेंट मेरा इसलिए बता रहा है कि मेरा फ़ोन S7 Edge है और लेटेस्ट एंड्रॉयड अपडेट है, इसलिए दिखा रहा है। बाकी का फ़ोन में दिखा भी सकता है, नहीं दिखा भी सकता है, इफ़ अपडेटेड है तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो भी है मेरा सॉफ्टवेयर है, ये जो भी आप बूस्टअप करने के सॉफ्टवेयर अभी डालना है कि नहीं डालना है, अगर इंस्टॉल है तो क्या करना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके सिस्टम में आप एक एक्स्ट्रा ऐप डाला है तो वो रैम पे बर्डन गिरेगा।
तो वो बूस्टिंग दे रहा आपको, कुछ कर रहा, काम कर रहा, उसमें उससे फ़ायदा ज़्यादा नहीं रहेगा, वो आपका रैम का परफॉर्मेंस जितना रहेगा उतना ही रहेगा। तो आपका ऐप्स क्या कर रहे हैं, वो इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है, वो क्या काम कर रहे हैं, वो इतना ही काम कर रहे हैं। चेको मेरा रिसेंट हिस्ट्री है, जब भी आप ऐप को रन करेंगे पूरा रिसेंट हिस्ट्री डिलीट करेगा। और क्या करेगा, जो भी है ना, इसके पहले मैं दिखाया था उसमें वो सेटिंग्स में देखो, जो इसके पहले मैं आपको ये दिखाया था कि डिवाइस मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजमेंट स्टोरेज में, ये स्टोरेज क्लीन करेगा, 2.46 MB का स्टोरेज क्लीन करेगा। ये क्या है, इमेजेस का 2.46 इतना ज़्यादा MB, ये है कि इसमें आप कभी भी आप गैलरी में जाए, आप गैलरी में जाए तो ये जो भी आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा फुल इमेज है। आप जो भी फ़ोटो निकाले नॉर्मली स्क्रीनशॉट लिए, ये पूरा इमेज है। मगर जब भी आपकी बैक स्पेस मार के अभी देख रहे हैं, ये छोटा छोटा इमेज है। तो हर बार आप गैलरी में जाके हर इमेज को चेक करेंगे ना, तब आपको बार बार ये दिखाएगा कि ये छोटे छोटे इमेज दिखाएगा। ये इसलिए कि बैक एंड में एंड्रॉयड में ऐसे कोडिंग कर चुके थे कि ऐसा था उसका कोडिंग कि आपका जो भी इमेज है हर इमेज कंप्रेस करके थंबनेल्स में दिखाएगा। ये छोटे छोटे, ये थंबनेल्स में दिखाने से क्या होता है, आपका रैम का परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है कि 2 GB 5 MB अभी अभी इतना हो गया कि एक एक इमेज का 2 MB 3 MB 5 MB का साइज़ रहता है, उसको थंबनेल्स में दिखाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, तो परफॉर्मेंस स्लो लगता है। इसलिए कि वो यूज़ करने के लिए एंड यूज़र को भी तकलीफ़ होता है। तो इसलिए इसमें ये कर चुके थे कि बैकएंड में जब भी आपका इमेज होता है ना, जब भी अभी गैलरी में जाके फ़ोन गैलरी में फ़ोटोज़ देखने के लिए जाएंगे, तभी पूरा इमेज को कंप्रेस करके थंबनेल में बहुत छोटे से छोटा 1 KB 2 KB 10 KB में उसको छोटे छोटे इमेज में बना लेके आपको थंबनेल्स में दिखाते हैं। जब भी उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा इमेज दिखाएगा, इसलिए वो बैकएंड में थंबनेल्स क्रिएट करता है। तो उसको डिलीट करने से स्पेस तो फ्री होगा, मगर बाद में कभी भी फिर जाएंगे आप, फिर आप क्या करेंगे, फिर वही गैलरी में वही फ़ोटोज़ लेने के लिए जाएंगे, जब क्या क्या होगा, अगेन वो तम जो भी अनक्रिएटेड है ये इमेजेस का थंबनेल्स अगेन हो जाके उसको क्रिएट करेगा। तब ऑलरेडी जो ऑलरेडी कंप्लीटेड टास्क है वो टास्क को आप फिर से रैम से करा रहे, रैम के ऊपर ज़्यादा काम करा रहे, उसके उसके रैम के साथ से ज़्यादा काम करा रहे, उसके हिसाब से क्या होगा, रैम के ऊपर बर्डन गिरेगा। और रीसेंट ऐप्स के बारे में बात करेंगे, जो आपका आपका प्री इंस्टॉल जो है, जो अभी आप गूगल से या प्ले स्टोर से उठाए नया ऐप्स, आपका रैम का परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है, बूस्टिंग दे रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। रीसेंट ऐप्स के बारे में, वो जो काम कर रहा है, रीसेंट ऐप्स क्लीन कर रहा है। रीसेंट ऐप्स क्लीन में मैं यही बोलूँगा कि रीसेंट ऐप्स क्लीन ही नहीं करना है, व्हाई यू वांट टू क्लीन द रीसेंट ऐप्स, मैं एक ही आपको बोल सकता हूँ, हर बार 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 हर 10 मिनट को एक बार फ़ोन को क्लिक करो, क्लीन करो, क्लिक करो, ये अच्छा काम नहीं है, बहुत गलत काम है। इसके हिसाब से रैम के बर्डन ऊपर कैसा बर्डन गिरेगा, नॉर्मली आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐप एक खोल के बंद कर दिया तो वो बैक एंड में चालू रहेगा, नहीं रहेगा। एंड्रॉयड का सिस्टम ऐसा बना है कि वो बैक एंड में कभी भी काम नहीं करेगा, खाली कुछ ऐप्स काम करेंगे, जैसे व्हाट्सएप, उसमें हर सेकंड को मैसेज को चेक करना है सर्वर को जाके, कुछ ऐसे ऐप्स रहेंगे कि हर मिनट सर्वर को कनेक्टिविटी रखना है, कुछ वैसे ही ऐप काम करेंगे बैक एंड पे कि चेक करने के लिए आप उसको रिसेंट ऐप में क्लोज करो या ना क्लोज करो, उसका काम वो करता ही रहेगा कि वो हर बार। मगर इसके बारे में ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, अब रिसेंट ऐप्स क्लोज ही नहीं करना है। इसलिए क्लोज नहीं करना है कि आपका ऐप ऐसा है कि आप ऐप ओपन कर दिए, आप कुछ ऐप प्ले स्टोर या कुछ ऐप ओपन करें और उसको बैक एंड में वो रन ही नहीं कर रहा है, तो उसको क्लोज करने का क्या प्रॉब्लम है, कहीं को क्लोज़ करना है, अगर आप क्लोज़ करने के सोच ले क्लोज़ कर दो, मगर फिर और एक बार आप सेम प्ले स्टोर ओपन करेंगे या दूसरा गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो वो क्या करेगा, वो फिर से बूस्टअप करके फ्रॉम द स्टार्ट बेस लेवल से फिर ऐप को कंस्ट्रक्ट करेगा, टेम्प्रेरी फाइल्स क्रिएट करेगा, टेम्प्रेरी इमेजेस क्रिएट करेगा, फिर से ऐप को बिल्ड करेगा, बिल्ड करके आपके सामने पूरा व्यू दिखाएगा, वो पूरा व्यू बैक एंड में जो भी है वो पूरा क्लीन करके वो पूरा व्यू दिखाएगा। इसके लिए वो फिर से थोड़ा बर्डन रैम पे गिरेगा, फिर रैम पे थोड़ा बर्डन गिरेगा, इसके वजह से रैम का बर्डन फिर बढ़ जाता है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डो नॉट डिलीट जो भी टेम्पररी फाइल्स है ना, टेम्पररी फाइल्स को नहीं डिलीट करना है, और बैकएंड में जो भी है ऐप्स उसको हर बार क्लीन करने का ज़रूरत नहीं है, आप दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार करना वो अच्छी बात है, और उसके बाद में फिर
फ्री अप रैम, ये रैम फ्री करने के लिए भी जो समझाया था, ये जो रिसेंट ऐप्स क्लीन कर रहे उसके वजह से रैम फ्री हो सकता है, इसको भी हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ बैकएंड में ऐप्स क्लीन करेगा वो उसका भी फ़ायदा नहीं है। जब भी परफॉर्मेंस स्लो लगेगा जब क्लीन करो, रिबूट, तो फ़ोन को रिबूट करना है कि नहीं करना है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फ़ोन को रिबूट करो, बट नॉट घंटे को एक बार, हर दिन, नॉट लाइक दैट। आप उसको